हरियाणा के करनाल जिले की असंध विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया है कि हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लगने वाली है। किसी जाति की पार्टी नहीं है, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास हमारी है पार्टी। सर्वस्पर्शी पार्टी है हमारी पार्टी, वंशवाद की पार्टी नहीं है हमारी, किसी जाति की पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हरियाणा में अब की बार हैट्रिक लगने वाली है, हैट्रिक लगने वाली है। और मैं आपसे इसलिए भी कहना चाहता हूं कि मेरे भाई और बहनों, आपने 2014 के बाद देश में परिवर्तन होते हुए आपने देखा है, हरियाणा की धरती पर आपने परिवर्तन होते हुए देखा है। आप 2014 के पहले से जरा याद करें कि किस तरह का हरियाणा था, देश में किस तरह की स्थिति थी। आए दिन भ्रष्टाचारों की सूचियां आती रहती थी अखबार में, जिस तरह से घोटाले से घोटाले, एक से आगे एक घोटाला आता था। जो देश प्रेमी थे, राष्ट्र प्रेमी लोग थे, वह जब सुबह अखबार पढ़ने बैठते थे तो उनके मन में पीड़ा होती थी। और ऐसे भावुक होते थे जब वो अखबार को देखते रहे, आए दिन घोटाले देखते थे, वो अखबार उनकी आंखों के आंसुओं से गीला हो जाता था कि आखिरकार मेरे देश का क्या होने वाला है। आजादी के मायने कुछ और थे, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने वो आजादी के मायने भी बदलने का काम किया, बदलने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 से पहले देश के अंदर किस तरह का आतंकवाद था, किस तरह का नक्सलवाद था, वो आपने देखा है। आए दिन भीड़भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे, कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फूटता था, कहीं बस स्टैंड पर बम फूटता था। आतंकवाद के साए में देश और प्रदेश चल रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का राज था। मैं भाई और बहनों आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद कहीं कोई आपने आतंकी हमला देखा है क्या? अरे बताइए, कोई आतंकी हमला आपने 2014 के बाद देखा है क्या? अरे किसी की हिम्मत हो सकती है क्या? अगर उधर से गोली आएगी तो इधर से भी गोला जाएगा, ये देखा है कि नहीं देखा आप लोग? आपसे कहना चाहता हूं, जब भी कांग्रेस आती है गरीब को बड़े सपने दिखाती है, गरीब के सपने ही नहीं दिखाती, वो हमेशा कहती है गरीबी हटाओ, लेकिन कांग्रेस का कभी गरीब से और मजदूर से कोई नाता नहीं रहा, किसी तरह का नाता नहीं रहा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान, मजदूर, गरीब सबके लिए काम किया है। और आपने देखा है, वो कहते हैं कि देश के अंदर चार जातियां हैं, और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। मैं इनके उत्थान के लिए काम करता हूं, मैं इनके उत्थान के लिए काम करता हूं। और 2014 के बाद आपने देखा है, गरीब कल्याण की योजनाएं लगातार आपने देखी। अगर मैं जिक्र करूं तो बहुत बड़ी संख्या उनकी है, चाहे युवाओं को हो, महिलाओं को हो, किसान को हो, मजदूर को हो। और यही नहीं, 2014 के बाद देश के अंदर विकास की भी इबादत लिखने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लेकर के काम करती है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं,
कि कांग्रेस जिस भी चुनाव में जाती है अपना घोषणा पत्र लाती है, आप घर जाकर के देखना, कांग्रेस के अब तक के घोषणा पत्रों को पढ़ना, उनको देखना जरूर, क्योंकि वो घोषणा पत्र में जो वायदे करते हैं वो सिर्फ घोषणा करते हैं, आज तक उन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया, कोई वायदा पूरा नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लेकर के आती है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 में जो संकल्प पत्र लिए थे, जो संकल्प पत्र लेकर के हम आपके बीच में गए थे वो भी पूरा किया, और 19 में गए वो भी पूरा किया, हरियाणा के अंदर भी आप देख रहे हैं हमारी दोनों बार सरकार ने जो वायदा किया है उसे पूरा करने का काम किया है, पूरा करने का काम। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आबू रोड के दौरे पर रहे, इस दौरान उनके द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान रेलवे स्टेशन पर मंत्री शेखावत ने संजीवनी घोटाले मामले में मिली क्लीन चिट पर बात करते हुए कहा कि असत्य पर सत्य की जीत हुई है। देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि न्याय हुआ है और असत्य पर सत्य की विजय हुई है। जिस तरह से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति को झूठा फंसा करके उसका राजनीतिक चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया था, उसका पर्दाफाश हुआ है, न्यायालय ने उस पर मोहर लगाई है। मैंने तो पहले भी कहा था कि मेरा दामन पाक साफ है और आखिरकार न्यायालय में इसका निर्णय मेरे पक्ष में होगा। वही खबर उदयपुर से है, जहां पर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के FMS कॉलेज के ई कॉमर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र ने क्लास में टीचर के साथ बदतमीजी की। जब टीचर ने छात्र से समझाइश की तो छात्र ने टीचर को कहा कि मेरे पापा कलेक्टर के दोस्त हैं और मैं किसी 25,000 की नौकरी का मोहताज नहीं हूं, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने छात्र को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वहीं एक जांच कमेटी बनाई गई है जो जल्दी मामले में फैसला सुनाएगी। मैं उदयपुर से, आज जो मेरी सुबह से वीडियो वायरल हो रही है उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे जो भी शब्द थे अपनी टीचर्स को लेकर उसके लिए भी मेरे को माफ़ करना, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। मेरे से जो भी गलती हुई है आप मेरे को माफ़ करना, क्योंकि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मेरे से जो भी गलतियाँ हुई है उसके लिए मेरे को माफ़ करना, और मेरे जो भी गुरु थे मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मेरा थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था, उस वजह से मैं थोड़ा ऐसा आकर्षित होकर उनको कुछ बोला। जो भी मेरे वर्ड्स हैं मैं वापस लेता हूँ, मेरे को माफ़ करना मेरे यूनिवर्सिटी वालों और मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं स्कूल वाले कॉलेज वाले उन सब से मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कीजिए मेरे को। और वहीं हरियाणा विधानसभा के चुनावों में प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बीते कई दिनों से जनसभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी बीच बवानी विधानसभा में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हरियाणा में जनसभाएं कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में टीकाराम जूली भी जुटे हुए हैं। वहीं विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष पर धार्मिक नगरी पुष्कर में पर्यटन विभाग की ओर से जयपुर घाट नगाड़ा वादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने अतिथि कलाकारों के साथ विदेशी पर्यटकों का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं प्रभारी गोकुल चंद्र ने बताया है कि पर्यटन दिवस के पर्व पर स्थानीय नगाड़ा वादन कलाकार घनश्याम दमामी टीम की ओर से नगाड़े की प्रस्तुति की गई। हमारे पास में जो है ये पूरे भारत के लिए भ्रमण के ऊपर है, और आज इनकी दो रातें पुष्कर में थी मेरे साथ में, और ये सभी लोग साउथ अमेरिका से अलग अलग देशों से हैं। यहाँ पर जब इन्होंने देखा कि ये आज विश्व पर्यटक दिवस है तो इन सबको बहुत खुशी हुई, और इन्होंने कल शाम को बहुत अच्छी यहाँ पुष्कर सरोवर की महाआरती में हिस्सा लिया। आध्यात्मिकता से ये सभी लोग ओतप्रोत हैं और हमारे देश की आध्यात्मिकता बहुत आकर्षित करती है।
आपका नाम? इंद्र नारायण पाराशर। वहीं जयपुर के चाकसू से खबर आ रही है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दो सगे भाइयों की मौत का मामला सामने आया है। पिछले 5.5 घंटे से अब ग्रामीणों का जो धरना है वो समाप्त हो गया है। एक मृतक के परिजन को 5 लाख का, वहीं एक के परिजन को 1 लाख रुपए मुआवजे पर सहमति बन गई है। बच्चों को पालनहार योजना का लाभ देने का भी आश्वासन दिया गया है। सांगानेर तहसीलदार के आश्वासन पर मामला अब शांत हुआ। पुलिस ने अभी फिलहाल शवों को मॉर्चरी में रखवा दिया है। पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं चाकसू एसीपी सुरेंद्र सिंह, एसएचओ रणजीत सिंह अपने जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद रहे। शिवदासपुरा इलाके के खेतापुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भीलवाड़ा के जहाजपुर से। खबर आ रही है जहां पर महाराणा उच्च माध्यमिक विद्यालय के उप प्राचार्य ने स्कूल में जमकर उत्पात मचाया। शराब के नशे में स्कूल आए विद्यालय के उप प्राचार्य, परिजनों को बुलाकर स्कूल से समझाकर घर भेजा गया। प्रिंसिपल नीलम जैन ने अब थाने में मामले की रिपोर्ट दी है। तो प्रिंसिपल द्वारा शिकायत कर दी गई, विद्यालय के उप प्राचार्य ने स्कूल में जमकर उत्पात मचाया और शराब के नशे में ये उप प्राचार्य विद्यालय में उत्पात मचाता नजर आया। माध्यमिक विद्यालय के उप प्राचार्य ने स्कूल में जमकर उत्पात मचाया, शराब के नशे में ये उप प्राचार्य धुत था और परिजनों को बुलाकर स्कूल से उसे समझाकर भेज दिया गया है। वहीं प्रिंसिपल ने अभी फिलहाल उप प्राचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। और अब खबर बांसवाड़ा जिले से है, जहां पर छीच गांव में एक मानसिक विक्षिप्त युवक ने सेब खाने की बात को लेकर हिंसक होकर अपनी मां के गले पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। घायल मां को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि घायल महिला का बेटा काफी समय से मानसिक रूप से बीमार है, जिसके चलते वो कभी कभी हिंसक हो जाता है। इसी के चलते उसने अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक ने अपनी ही मां पर हमला कर दिया और मां के गले पर चाकू से वार कर दिया। ये व्यक्ति लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार चल रहा है। और अब खबर झुंझुनू के गुड़ा गौड़जी से है, जहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर रेहड़ी ठेला संचालकों ने विरोध शुरू कर दिया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में लोहारों का चौक में रेहड़ी ठेला संचालक धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों ने आरोप लगाया कि टोडी ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भेदभावपूर्ण की है। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा में अग्रवाल जन कल्याण समिति की ओर से अग्रसेन जयंती पर 1 अक्टूबर से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर अग्रसेन धाम में समिति अध्यक्ष प्रोफेसर के एम मोदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। समिति के सदस्यों ने सुझाव भी दिए। वहीं अध्यक्ष मोदी ने बताया कि कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में पहले दिन शोभा यात्रा का आयोजन होगा। वहीं नीमका थाना के उदयपुर वाटी से खबर है, जहां पर अवैध शराब की दुकान को हटाने की मांग की जा रही है। सरकारी स्कूल के नजदीक संचालित है ये अवैध शराब की दुकान। कस्बे के वार्ड नंबर 34 गौरव पथ पर ये दुकान संचालित है। उपखंड अधिकारी सुमन सोनल को अभी फिलहाल ज्ञापन सौंपा गया है। भारतीय किसान संघ अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है। नगर पालिका क्षेत्र में गौरव पथ पर जो अवैध शराब बेची जा रही है, उससे क्या है कि लोग परेशान हैं। वहाँ पे गाली गलौच है, रोज झगड़ा होते हैं। शराब माफिया की कि जहाँ निर्धारित जगह थे वहाँ शराब बेचनी चाहिए, पुलिस वालों से मिल करके, और जो वहाँ शराब बेची जा रही है वो बिल्कुल अवैध है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कितने चल रही है, काफ़ी शिकायत की थी, थाना कमाई भी शिकायत कर दी, थाना कमाई पीछा भरे हैं जो पुलिस चार्ज पहली बड़े कुछ ही खोला था। पुलिस वाला कहीं कोई बेचे ही गुरु शराब, काफ़ी दिनों से लोग परेशान हैं। आसपास का शाम की बदमाशी हुआ है, गाड़ी गलौच कर रहे हैं, महिला रास्ते बाहर को निकल सकते हैं, हम के टाइम पर बहुत बदमाशी हो गई।
वहीं राजसमंद में दो युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट के बाद इलाके में अब माहौल गर्मा गया है। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी है। गुस्साई भीड़ ने वाहनों के साथ भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने अभी फिलहाल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया है। मामला बढ़ने पर ASP DYSP मौके पर पहुंचे हैं और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, कल रात में एक समुदाय विशेष के लड़कों के द्वारा एक घटना कर दी गई थी, जिसके संबंध में हमने एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इस संदर्भ में अग्रिम लोगों में आक्रोश था, तो वह आज वो थाना राजनगर पर एकत्रित हुए थे। उस गतिविधि में मैं भी आया आज, और क्योंकि सीधा संवाद हो सके लोगों से, लोगों की क्या अपने विषय वस्तु उसके बारे में भी जानकारी हो सके, तो कई लोगों ने अपने शहर के संबंध में, मोहल्लों के संबंध में और शहर की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में मुझे कई बातें बताई हैं, जिस पर हमने संज्ञान लिया है। कुछ विषय विभिन्न विभागों से संबंधित हैं, उस पर भी मैं माननीय प्रशासन। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पर DSP ग्रामीण ऑफिस में SP शरद चौधरी और कलेक्टर राम अवतार मीणा ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। SP शरद चौधरी ने जिले में विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी लंबित मामलों की शीघ्र जांच करने और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही करने की बात कही है। वहीं डूंगरपुर में दोबड़ा थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में चोरों ने गात रोड मंदिर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर के मुख्य दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां पर दान पेटी में रखी नोट को वो चुरा ले गए। वहीं मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए चांदी के छत्र और चांदी के जेवरात को भी चुरा ले गए। मंदिर से जुड़े बंसीलाल सुधार ने दोबड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं नीमका थाना राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत अग्रसेन भवन में जिला स्तरीय एक दिवसीय इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया जाएगा। मीट के आयोजन में आपको बता दें तारीख 6 नवंबर तय की गई है। वहीं एक दिवसीय इन्वेस्टमेंट मीट में जिले के प्रस्तावित निवेशकों के साथ MOU साइन किए जाएंगे। इस दौरान जिले के प्रमुख उद्यमों एवं MSME द्वारा उत्पादित उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए कलेक्टर शरद मेहरा की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों की बैठक आयोजित हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां पर स्वास्थ्य, धार्मिक, पर्यटन, होटल, सोलर प्लांट समेत अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावना है। तो वहीं जिले में 33 निवेशकों से 800 करोड़ के MOU साइन होने की संभावना है।